2023 चला गया और अब है 2024। सो मेरे दोस्तों, काफी सारे लोग जो है ना 2023 में बहुत ही ज्यादा मेहनत, बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क कर रहे थे एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए, बट स्टिल उनकी अच्छी बॉडी नहीं बन पाई। उन्होंने दवा के हार्डवर्क किया, अपना वर्कआउट भी अच्छा किया, अपना डाइट भी ऑन पॉइंट रखा, प्रोटीन भी हिट किया, लेकिन स्टिल नो रिजल्ट। ऐसा बिगिनिंग में मेरे साथ भी होता था कि मैं कितना भी मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, मैं कितना भी देर में वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं कितना भी अच्छा मैं डाइट में ले रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बट मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मैंने फेस किया वो आप भी फेस करो। सो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को 6 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि आपका मसल बिल्डिंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा और आपको बहुत ही तगड़ा आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड फॉर श्योर 2024 में आप अपने बेस्ट फिजिक को अचीव कर लोगे। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली आते हैं हमारे टिप नंबर 1 पे, जो की है मैक्सिमाइजिंग योर वर्कआउट टाइम विद कंपाउंड एक्सरसाइजेस। देखो, कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को जो ट्रेन करते हैं, लाइक बाइसेप्स कर्ल। लेकिन मेरे भाई, अगर आपको जल्दी अगर बॉडी बनाना है, आपको जल्दी अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, सो आपको मोस्टली आपको फोकस करना चाहिए कंपाउंड एक्सरसाइजेस पे। देखो, आजकल लोग आइसोलेशन वर्कआउट के साइड बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि लोगों ने देखा है कि बॉडी बिल्डर्स ज्यादातर आइसोलेशन ही वर्कआउट करते हैं। बट मेरे भाई, ये फैक्ट नहीं है। आपको मोस्टली आपको कंपाउंड वर्कआउट पे आपको जो फोकस करना चाहिए। देखो, आइसोलेशन वर्कआउट आपके स्पेसिफिक मसल को पूरा आइसोलेट करके ट्रेन करता है, लेकिन अगर आपको अपना ओवरऑल बॉडी अगर आपको जल्दी अगर ग्रो करना है, सो आपको कंपाउंड वर्कआउट पे आपको जो फोकस करना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड वर्कआउट एक ही टाइम में काफी सारे मसल ग्रुप को जो है ट्रेन करता है। सो कंपाउंड वर्कआउट पे बहुत ही ज्यादा फोकस करो। ओके, अब जिन मेरे भाइयों को नहीं पता है कि कंपाउंड वर्कआउट कौन कौन से है, तो उन सभी को बता दूं कि कंपाउंड वर्कआउट हो गए बारबेल स्क्वाट्स, बारबेल बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, ओवरहेड मिलिट्री प्रेस, ये सारे कंपाउंड वर्कआउट है। अगर आप इन पे अगर फोकस करोगे, सो आपका मसल बिल्डिंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इनहेंस्ड हो जाएगा। बट देखो, मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि कंपाउंड वर्कआउट पे आपको फोकस करना है, बट इसका मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि आपको आइसोलेशन वर्कआउट आपको करना ही नहीं है। आपको दोनों का आपको 50-50% आपको लेके आपको चलना होगा। लाइक अपने सारे वर्कआउट को कंपाउंड एंड हैवी वर्कआउट से स्टार्ट करो, एंड देन अपने वर्कआउट को फिनिश करते टाइम आइसोलेशन वर्कआउट से उस मसल को बिल्कुल ही तोड़ दो, जिससे कि आपका मसल ग्रोथ प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इनहेंस्ड होगा। टिप नंबर 2, गो फॉर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। देखो, अगर आज की भी जनरेशन में अगर आप एक हाई इंटेंसिटी अगर आप जो वर्कआउट नहीं कर रहे हो, सो मेरे भाई आप बिल्कुल ही पीछे रहने वाले हो। देखो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ओलंपिया विनर डोरियन येट्स भी किया करते थे, एंड आपका भाई भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को फॉलो करता है, एंड इससे सच में बहुत ही क्रेजी आपको जो है दोस्तों रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। अगर आप अगर लो इंटेंसिटी वर्कआउट अगर करोगे, सो आपको रिजल्ट आपको बहुत ही स्लो आपको मिलेगा और एक टाइम के बाद आपका वो रिजल्ट भी स्टॉप हो जाएगा। बट अगर वहीं अगर आप एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को अगर आप फॉलो करोगे, सो आपका गेन्स भी अप होते जाएगा एंड आपको रिजल्ट भी आपको बहुत ही फास्टर आपको देखने को मिलेगा। सो अगर आपका भी अगर गेन्स अगर रुक गया है या फिर आपका भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन अगर नहीं हो रहा है, सो गो फॉर द हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। ओके, अब आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूरी आ रहा होगा कि भाई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आखिरकार है क्या। सो देखो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो तो मैं जरूर से ही मैं बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देता हूं। देखो, फॉर एग्जांपल आप सपोज करो कि आज है आपका चेस्ट डे एंड आप जा रहे हो बारबेल बेंच प्रेस लगाने। सो आपने लगाया 30 kg इस साइड और 30 kg दूसरे साइड। ओके, अगर आप अगर लो इंटेंसिटी अगर आप वर्कआउट करोगे, सो आपके लिए इजिली आप जो 8 रेपिटेशन निकालोगे एंड आप उसे जो रैक कर दोगे, जबकि स्टिल आपके अंदर जो 2-3 रेप जो बचा हुआ है। सो ये हो गया लो इंटेंसिटी वर्कआउट। लेकिन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट बिल्कुल ही अपोजिट होगा। आप तब तक आप रेपिटेशन को आप जो परफॉर्म करोगे जब तक आप अपने फेलियर को आप जो टच नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल, लो इंटेंसिटी में आपसे 11-12 रेपिटेशन इजिली निकल जाता है, लेकिन आपके सेट्स ज्यादा है इसलिए आपने जो 8-9 रेपिटेशन पे ही रिरैक कर दिया बार को। लेकिन हाई इंटेंसिटी में आपको बिल्कुल ही अपोजिट करना है, आपको पूरा फेलियर आपको जो टच करना ही करना है। सो ये है एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट का एग्जांपल। सो जिस भी मेरे भाई का जो प्रोग्रेस नहीं हो रहा है या फिर उनकी जो बॉडी नहीं बन पा रही है, एक बार हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को ट्राई करो
आपको फॉर श्योर बहुत ही बेटर आपको जो रिजल्ट मिलेगा। एंड डोंट वरी, हाई इंटेंसिटी के ऊपर मैं जल्द ही एक डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा, बस मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में याद दिला देना। ऑलराइट, टिप नंबर 3, मेक श्योर यू आर ईटिंग इनफ। देखो मेरे भाई, अगर मसल अगर बिल्ड करना है सो आपको खाना तो पड़ेगा ही, वो भी एक कैलोरी सरप्लस में। देखो काफी सारे लोगों का ऐसा कहना है कि भाई मैं बहुत ही ज्यादा खाता हूँ, स्टिल मेरा जो मसल बिल्ड नहीं हो रहा है, बट इन रियलिटी वो ज्यादा नहीं खाते हैं। देखो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होता था कि मुझे लगता था कि मैं बहुत ही ज्यादा मैं खाता हूँ, लेकिन मैं अच्छे से अपने कैलोरीज को जो मैं कैलकुलेट नहीं करता था, जिसके कारण मुझे जो रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने खाने को नाप के खाना स्टार्ट किया प्लस अपने कैलोरीज को ट्रैक किया, मुझे काफी अच्छा जो रिजल्ट मिलने लग गया। सो मेरे भाई, अगर तुम्हें भी अगर लगता है कि तुम अपने जो कैलोरीज को हिट कर रहे हो, सो एक बार ये वाले मशीन को खरीद लो। ये ज्यादा महंगा नहीं है, 200-300 का आपको जो मिलेगा Amazon पे, आप जो इसे खरीद सकते हो। इसका मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, सिर्फ 200-300 का होगा, आप इसे जो खरीद सकते हो। एंड इससे आप जो एक बार अपने जो इस खाने को जो कैलकुलेट करो, फॉर एग्जांपल आप जो 400 ग्राम अगर आप जो चावल खा रहे हो, इस पे पहले नापो इस मशीन पे, एंड देन माई फिटनेस पैल ऐप पे जाओ या फिर कोई भी हेल्दीफाई मी ऐप पे जाओ एंड वहां पे उसका जो कैलोरीज जो है कैलकुलेट करो। सो अगर आप सिर्फ ठूस रहे हो और आपको लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा खा रहे हो, सो मेरे भाई इस तरीके से आपका मसल बिल्ड नहीं होगा। आपको हर एक चीज आपको नाप के आपको खाना होगा, प्लस आपको अपना प्रोटीन पे भी आपको जो फोकस करना होगा। देखो बॉडी बिल्डिंग इजी नहीं है मेरे भाई, अगर आपको सच में को बॉडी बनाना है सो सबसे पहले अपना मेंटेनेंस कैलोरी पता करो, उसके बाद उस अकॉर्डिंगली आपको हर एक चीज आपको जो नाप के आपको खाना होगा, जिससे कि आपको बहुत ही फास्टर आपको जो रिजल्ट मिलेगा। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ और सिर्फ आपको जो कैलोरीज पे ही आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट पे भी आपको ध्यान देना है, लाइक प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट, तीनों का अच्छा रेशियो बनाओ और उसे खाओ। सो मेक श्योर यू आर ईटिंग इनफ। टिप नंबर 4, गेट इनफ रेस्ट। देखो जिस तरीके से वर्कआउट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपके लिए रिकवरी, रेस्ट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मुझसे अगर पूछा जाए ना, तो वर्कआउट भी 50% है और रेस्ट भी 50% है, तभी आपको जो रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आप डेली अगर आप जो 4-5 घंटे ही अगर सो रहे हो, सो मेरे भाई आप जो भूल जाओ कि आपकी जो मसल बिल्ड होगी। देखो एटलीस्ट आपको मसल बिल्ड करने के लिए आपको 8 hours का आपको जो दोस्तों आपको स्लीप आपको लेना ही चाहिए। देखो अगर आप रात को भी अगर आप जो अपने अगर स्लीप को अगर आप जो पूरा नहीं कर पाते हो, सो मेरे भाई आप अपने भाई का आप जो सजेशन लो कि आप जो दोपहर में भी आप जो 2-3 घंटे के लिए आप जो दोस्तों सो जाया करो। देखो सोना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोते टाइम ही आपके बॉडी में काफी सारे हार्मोनल फंक्शन होते हैं, जिससे कि आपका मसल ग्रोथ होता है। सो सच में सोना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, रेस्ट और रिकवरी में एक और चीज आता है, जो कि डोंट डू ओवर ट्रेनिंग। अगर आप अगर ज्यादा देर 3-3 घंटे अगर आप जो जिम में वर्कआउट कर रहे हो, या फिर आप हर दिन आप जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स अगर मार रहे हो, सो मेरे भाई आपका वो बाइसेप ट्राइसेप जो बड़ा नहीं होने वाला है। सो अपने रेस्ट एंड रिकवरी पे फोकस करो। ओके, टिप नंबर 5, ट्राई सप्लीमेंट्स। देखो मेरे भाई, सप्लीमेंट्स जो है बुरे नहीं होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सप्लीमेंट जो है अननेचुरल होते हैं, सो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मैं खुद सप्लीमेंट्स में यूज करता हूं, एंड मैं आप सभी को बता दूं कि सप्लीमेंट्स के कुछ भी डिसएडवांटेजेस नहीं है, अभी तक मैंने तो कोई भी फेस नहीं किया है। सो अगर आपको रिजल्ट अगर नहीं मिल रहा है, सो शायद आपको जो सप्लीमेंट की तरफ आपको जो जाना चाहिए। देखो अब जिस मेरे भाई का जो डाइट ही बेकार है, और वो अगर डायरेक्ट अगर मेरा ये वाला पॉइंट सुन करके अगर वो जो अगर सप्लीमेंट के तरफ जाएगा, सो मेरे भाई आपको जो रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। पहले अपने डाइट को 100% ठीक करो, देन सप्लीमेंट के तरफ जाना। चलो अगर 100% अगर नहीं ठीक कर सकते हो, तो एटलीस्ट 90% अपने डाइट को ठीक करो, देन सप्लीमेंट के तरफ जाना। और बेस्ट सप्लीमेंट आप सभी के लिए क्या क्या होंगे, मैं आप सभी को बोलूंगा कि सबसे पहले वे प्रोटीन के तरफ जाओ। वे प्रोटीन दूध से बनता है, एंड प्लस इससे आपका जो दोस्तों प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो डेली हिट होगा। एंड आप सभी को पता है कि मसल बिल्ड करने के लिए प्रोटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड सप्लीमेंट हो सकता है क्रिएटिन। देखो मेरे भाई, क्रिएटिन सबसे ज्यादा रिसर्च सप्लीमेंट है, जिसको लेने के बाद लोगों को बहुत ही जल्दी जो रिजल्ट दिखता है। हाँ सही सोचा, प्रोटीन से भी जल्दी। सो क्रिएटिन भी आप जो दोस्तों यूज कर सकते हो। थर्ड, मल्टीविटामिन्स। शायद आपके बॉडी में विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी है, इसके कारण भी आपकी जो दोस्तों बॉडी जल्दी जो ट्रांसफॉर्म या फिर जो ग्रो नहीं हो पा रही है। सो मैं तो आप सभी को यही 3 सप्लीमेंट आपको जो रिकमेंड करूंगा। देखो इस वीडियो में मैं किसी भी सप्लीमेंट का मैं स्पॉन्सर या फिर मैं जो पेड प्रमोशन में नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपने मर्जी से 2-3 क्रिएटिन का लिंक, 2-3 प्रोटीन का लिंक, 2-3 मल्टीविटामिन्स का लिंक एंड जो भी सप्लीमेंट्स का लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि आप सभी के लिए बेस्ट होगा, नेचुरल होगा एंड आपको काफी आपको जो हेल्प करेगा। सो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करना, एंड जो भी सप्लीमेंट आपके बजट में आए या फिर आप जो उसे अफोर्ड कर सकते हो, आपसे
सिंपली उसे जाकर के खरीद लेना, क्योंकि मेरे भाई एक टाइम के बाद आपको सप्लीमेंट्स की आपको जरूरत आपको पड़ती ही पड़ती है। सो अगर आपको भी अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है सो ट्राई सप्लीमेंट्स। ओके सो सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेप हमारा आज का, जो कि आपको बहुत ही तगड़ा आपको जो दोस्तों रिजल्ट देगा, जो कि है मेक अ गोल टू ट्रेन ईच मसल 2-3 टाइम्स पर वीक। देखो मेरे भाई, जब तक मैं भी एक ब्रो स्प्लिट को मैं फॉलो करता था एज अ नेचुरल लिफ्टर एज अ नेचुरल बॉडी बिल्डर, तब तक मुझे जो है तगड़ा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने हर एक मसल को 2 बार वीक में जो ट्रेन करना स्टार्ट किया, तब से मुझे जो दोस्तों रिजल्ट भी काफी इनसेन देखने को मिले। सो देखो, अगर तुम्हारा भी अगर रिजल्ट रुक गया और तुम्हें भी उस रिजल्ट को फास्टर करना है, मतलब कि अपने बॉडी को जल्दी ट्रांसफॉर्म करना है, सो मेरे भाई आज से ही अपने वर्कआउट स्प्लिट को चेंज करो और आप जो कोशिश करो कि आप हर एक मसल ग्रुप को वीक में 2-3 बार आप जो है दोस्तों ट्रेन कर रहे हो। आई नो कि काफी सारे लोग जिम के लोगों को देख के या फिर अपने ट्रेनर का गाइडेंस सुन के वो लोग जो ब्रो स्प्लिट को जो फॉलो करते हैं। देखो ब्रो स्प्लिट भी अपने जगह सही है, लेकिन जब आपका जब रिजल्ट जब स्टक हो जाता है या फिर एकदम रुक जाता है, तब मेरे भाई आपको जो अपने हर एक मसल ग्रुप को एटलीस्ट 2-3 बार आपको जो वीक में आपको जो ट्रेन करना ही चाहिए। ओके सो अब आप सभी लोग सोचोगे कि भाई अब ये तो बताओ कि हमें कौन सा स्प्लिट हमें फॉलो करना चाहिए। सो मेरे भाई मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप जो पुश पुल लेग को आप जो फॉलो कर सकते हो, या फिर अपर लोअर स्प्लिट, या फिर आप जो फुल बॉडी वर्कआउट 3 टाइम्स अ वीक आप जो फॉलो कर सकते हो। इन तीनों स्प्लिट में आपका मसल ग्रुप हमेशा 2-3 बार जो ट्रेन हो रहा है, प्लस आपका रिकवरी एंड रेस्ट भी बहुत ही अच्छे से फोकस हो रहा है। बस मैं एक चीज मैं बोलूंगा, जो भी मेरे भाई जो पुश पुल लेग जो फॉलो करेंगे उन सभी को बोलूंगा कि आप पुश पुल लेग फॉलो करो एंड देन 4th डे आपको जो रेस्ट आपको लेना चाहिए। ये नहीं कि आप जो 6 दिन आप जो वर्कआउट आप कर रहे हो, बिल्कुल ही नहीं। मैं खुद में वीक में मैं 3-4 दिन में वर्कआउट करता हूं, दैट्स इट। अब अगर आपको मेरा को वर्कआउट स्प्लिट अगर जानना है कि मैं कौन सा मैं वर्कआउट स्प्लिट को मैं फॉलो करता हूं, सो आप जो सिंपली आप जो नीचे कमेंट कर दो, मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप सभी को बता दूं कि वो स्प्लिट मैंने खुद से डिजाइन किया है अपने बॉडी को देख के, जिससे कि मेरा रेस्ट भी हो जाता है। मैं वीक में 3 दिन में रेस्ट करता हूं एंड मैं 4 दिन में वर्कआउट करता हूं, 3 या 4 दिन। सो सिंपली नीचे कमेंट कर दो, मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। सो और गाइस, ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर चैनल पर नहीं हो तो क्या कर रहे हो, पहले सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को हिट कीजिए कि ताकि हम लोग कनेक्टेड रहे, क्योंकि मेरा एम है आप सभी लोगों का इसी तरीके से हेल्प करते रहना। एंड मेरे भाई अगर आपको अगर मेरा अगर डेली फिटनेस अपडेट अगर चाहिए, सो मेरे भाई आप जो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके आप जो फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं हमेशा मैं अपडेट देते रहता हूँ कि मैं वर्कआउट क्या कर रहा हूँ, या फिर मेरे दूसरे चैनल्स के भी मैं वहां पे जो वीडियोस में जो शेयर करते रहता हूँ। हाँ, मेरे दूसरे चैनल्स भी हैं, सो जा करके मुझे जो फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड हाँ भाई लोग, अगर आप लोग अगर एक टीनेजर हो या फिर आपको जो घर पे अगर बॉडी बनाना है, आप जिम नहीं जा सकते हो, सो मेरे भाई आप जो इस वाली वीडियो को आप जो क्लिक करके देख सकते हो, इसमें मैंने आपको इन डिटेल बताया। सो ऑल यू गाइस, जल्द मिलते हैं कौन सी वीडियो में। टिल देन कीप हसल फॉर योर मसल।